और केरल में हर 5 साल में, वरना सरकार बदलने की परंपरा रही है, वहां हर 5 साल में, अगर वहां LDF है तो 5 साल बाद UDF आएगा, UDF है तो LDF को मौका मिलेगा। वहां ये हमेशा होता रहा कि रोटी पलट पलट कर सेकी जाती रही, लेकिन इस बार LDF को फिर से मौका मिला। 89 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और सरकार बना लेंगे। अब इसमें कोई दो राय, कोई असमंजस, कोई संशय नहीं रह गया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को 45 सीटों पर बढ़त है। केरल में BJP को 3 सीटों पर बढ़त हासिल है। ई श्रीधरन को प्रोजेक्ट करने के बाद भी 3 ही सीटों पर बढ़त हासिल है। खुद मेट्रोमैन ई श्रीधरन तो अपनी जगह पर आगे चल रहे हैं, उनके साथ 2 और कैंडिडेट्स BJP के बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन क्या ये नतीजों में तब्दील हो जाएगा? लगता है हो जाएगा, क्योंकि अब ये बढ़त निर्णायक होने लगी है। लेकिन केरल में जैसा हम बात कर रहे थे अभी आमोद के साथ, कि यहाँ पर वोटर्स ने एक संदेश देने की कोशिश की है। कोविड के मामले में जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है उसमें केरल की गिनती हमेशा होती रही है कि उन्होंने कोविड से जुड़े हुए खतरों को एंटिसिपेट करने के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, और उस दौरान जब लॉकडाउन था लोगों की मदद और उनको उन तक सहायता पहुंचाने के मामले में बहुत अच्छा काम किया है, और इसलिए इनको दोबारा चुना जाना चाहिए। इसीलिए आमोद, वो सबरीमाला का मसला हो या गोल्ड स्मगलिंग वाले मामले पर सरकार को घेरे जाने का मसला हो, मुख्यमंत्री तक आंच पहुंच गई थी उसकी, लेकिन ये सब कुछ काम आया नहीं। निश्चित तौर पे देखिए, लोकल इशूज सबसे इम्पोर्टेंट होता है विधानसभा चुनाव में, ये बात दिगर होनी चाहिए। और केरल में जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की लेफ्ट LDF की सरकार थी, वो निश्चित तौर पे वो बीच में, जब आप याद हो दिनेश की बाढ़ भी आया, काफ़ी वहाँ मतलब ऐतिहासिक बाढ़ आया, और उसको जिस तरह से मैनेज बाद में उन लोगों ने किया, उसके अलावा जो वहाँ पे कांग्रेस है वो फ्रैक्शन में बटी हुई है कहीं ना कहीं, उसका फ़ायदा भी LDF को वहाँ मिल रहा है। BJP अभी प्री मैच्योर थी, अभी छोटी पार्टी है, वहाँ पे अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो 3 सीट आप बता रहे हैं कि बढ़त बढ़ाई हुई है बीजेपी ऐसा मान रही थी कि इस बार 5 सीट उसको 5 सीट लगभग जीतेगी, लेकिन 3 सीट अगर बढ़त बनाई हुई है, लेकिन उसका वोट परसेंट बढ़ाना मकसद था इस बार, कि ताकि अगले लोकसभा चुनाव के दरमियान वहाँ BJP अपना पैर ठीक से जमा सके। तो ये एक प्रयोग था केरल में, और ई श्रीधरन यूं ही नहीं चुनाव लड़े थे, उसके लिए भी एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको उतारा गया था। तो BJP के लिए वहाँ एक जमीन बनाने की कोशिश थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ रिटेन किया है लेफ्ट ने, LDF ने, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस आला कमान के लिए सोचने के ऊपर मजबूर करेगा, क्योंकि जो लोकल छत्रप वहाँ पे बैठे हैं कांग्रेस के, उनमें आपसी कहीं ना कहीं लेकिन अभी मैं देख रहा था कि पिनराई विजयन को भी केजरीवाल जी ने एक संदेश दिया है, कॉन्ग्रेचुलेटरी संदेश, की कॉन्ग्रेचुलेशंस विजयन सर। अब अगर वो ममता बनर्जी को भी बधाई दे रहे हैं, उधर विजयन को भी बधाई दे रहे हैं, और इसको हम ये देख रहे हैं कि क्या इधर एक फॉर्मेशन होने लगा है क्या, तो ये फॉर्मेशन उस तरह की, हालांकि कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार और लालू यादव किसी ज़माने में एक साथ आ सकते हैं तो पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। आप इस मामले को कितना आगे तक जाते देख रहे हैं? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है दिनेश, और यहाँ मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि NT BJP जो भी दल हैं वो आपस में एक प्लैंक पे रहें, ये कोशिश हो रही है, और इसके तहत ही केजरीवाल, आपके अगर केजरीवाल की ट्वीट की बात करें तो ममता बनर्जी को भी अगर वो संदेश भेज रहे हैं, और लेफ्ट को भी संदेश भेज रहे हैं, अगर लेफ्ट नहीं जीतती तो शायद कांग्रेस को भी संदेश भेजते। तो ये एक मैसेज है इसमें, यही कि BJP से अलग हम सारे दल एक प्लैंक पे हों, और यही कोशिश पिछले कुछ सालों से की जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।